रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। रोज़ा, नमाज, जिक्र, अस्कार, सदका और खैरात के जरिए लोग अपने रब को राजी करने में लगे हुए हैं। जहां तक रोज़े की बात है तो हर मुसलमान पर रोज़ा फर्ज किया गया है। रोज़े की फर्जियत को देखते हुए चाहे किसी शोबे में काम करते हों, हर एक के लिए रोज़ा रखना लाजमी है। यही वजह है कि पुलिस महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और अहदेदारान भी रमज़ान के पूरे रोज़े रखने का अहतमाम करते हैं। चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी अंजाम देते वक्त इन्हें काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ पुलिस अहलकारों की ये तस्वीर है जो नांदेड़ से ली गई है। PSI असद शेख और उनकी टीम रमजान के पूरे रोजों का एहतमाम कर रही है और चाको चौबंद अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे रही है। हाल ही में नांदेड़ जिला SP ने तमाम पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले API और दीगर पुलिस अहलकारों को शहर के मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर गश्त करने और लोगों की सिक्योरिटी की खिदमत पर लगा दिया है। इसी के तहत पुलिस अहलकारों की ये टीम नांदेड़ के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलू नाके के मुकाम पर खिदमत अंजाम दे रही है। इफ्तार के वक्त ये लोग खरीब की पुलिस चौकी में जमा होकर इफ्तार करते हैं। मुल्क में अमन सलामती और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम करते हैं। अलामीन सोशल एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी नांदेड़ का एक ऐसा फलाही इदारा है जिसने पिछले 18 सालों से अपनी खिदमत के जरिए मुस्लिम समाज के इज्तिमाई शादियों का बीड़ा उठा रखा है। इमसाल भी ये तकरीब 22 मई 2022 बरोज इतवार को सुबह 11 बजे मोहम्मद फंक्शन हॉल हस्सापुर वागी रोड में मुनक्किद होने जा रही है। इस इज्तिमाई शादी तकरीब में हिस्सा लेने वाले जोड़ों को अपनी अज़वाजी जिंदगी की शुरुआत के लिए जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया दी जाती है। इसी तरह शादी में शरीक होने वाले दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए इज्तिमाई ताम का भी नज्म किया जाता है। इसके लिए जो अफराद अपने लड़के और लड़कियों की शादी करवाना चाहते हैं, इनके नाम जामिया इस्लामिया दार अरखम वागी रोड हस्सापुर पर रजिस्टर करने का सिलसिला जारी है। इसी तरह यहाँ इस बात की भी दर्दमंदाना अपील की जा रही है कि अलामीन सोशल एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी का माली ताउन करे। इस इदारे की जानिब से जो भी खिदमत अंजाम दी जाती है वो माशरे के साहिब हैसियत लोगों के ताउन से होती है। इदारे का अपना कोई जरिए आमदनी नहीं है, इसलिए इस मरतबा भी होने जा रही इज्तिमाई शादियों की तकरीब के लिए आप तमाम साहिब हैसियत अफराद से अपील की जाती है कि वो अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अलामीन सोसाइटी का ताउन करे। मजीद तफसीलात के लिए अलामीन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मौलाना अयूब खासमी से स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर राबता कायम करे या फिर गूगल पे और फोन पे के जरिए भी 9673429400 इस नंबर पर रकम जमा की जा सकती है। अगर आप अपने मकान की तामीर करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। सागर कंस्ट्रक्शन नांदेड़ का एक ऐसा बाएतमाद इदारा है जो तामीराती शोबे में वसी तजुर्बा रखता है। सागर कंस्ट्रक्शन के पास है माहिर इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दीगर तमाम माहिरीन की टीम। सागर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट की तयशुदा मियाद में फाउंडेशन से लेकर इमारत की करता है मुकम्मल तामीर। सागर कंस्ट्रक्शन ने नांदेड़ में अब तक कई अहम प्रोजेक्ट को जदीद तर्ज तामीर के जरिए किया है मुकम्मल। तामीराती काम में बेहतरीन क्वालिटी के अलावा खूबसूरती और बजट का भी रखता है ख्याल। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राबता करें। मुलाकात के लिए दफ्तर का पता है सागर कंस्ट्रक्शन, उमर कॉलोनी, देगलू नाका, नांदेड़।